जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। यूपी ट्रिपल एससी पैट जो आपका 2023 वाला एग्जाम हुआ था, तो उसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आपके दो तरीके के मार्क्स दिए गए हैं और आपका परसेंटाइल दिया गया है। एक आपके है रॉ मार्क्स जो आपने स्कोर किया था, और दूसरा है नॉर्मलाइज मार्क्स, तो आपका बढ़कर कितना हो गया है। तीसरा है परसेंटाइल, मतलब आपकी परसेंटाइल क्या है। तो इस बार जो देखा गया है, अगर देखे अभी तक जितने भी पैट के एग्जाम हुए थे, तो सबसे कठिन जो पैट का एग्जाम था वो पैट 2023 वाला था। ठीक है, तो आप सभी बता देना आपका नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं घटे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, इस बार ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 60 प्लस स्कोर नहीं कर पाए हैं। अगर रॉ मार्क्स देखें तो 60 प्लस स्कोर नहीं कर पाए हैं, तो बहुत कम मार्क्स पे भी अच्छी परसेंटाइल स्टूडेंट की बन रही है। तो परसेंटाइल का मतलब यही होता है कि जो अगर सपोज करो आपका मतलब 90 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब ये है कि 10% स्टूडेंट ही क्या है आपसे ऊपर है। तो इस बार का थोड़ा सा कठिन पेपर था। तो अभी आपको ये नहीं सोचना है, देखिए कट ऑफ को लेकर मैं बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ मैं बता देता हूँ। इसकी कट ऑफ कोई भी निर्धारित नहीं की गई है। जैसे कि आज आपका मतलब रिजल्ट आया, तो ये एक साल के लिए वैलिड रहेगा, पहली बात तो ये। तो जितनी भी आने वाली आपकी वैकेंसी है उसमें ये पैट, जैसे पैट 2023 से आएगी, जैसे अभी लेखपाल कंप्लीट हुई है वो पैट 2021 से थी, उसके अलावा वीडियो वगैरह की भी वैकेंसी आई है। तो अब आप सभी जानते हैं कि वैकेंसी रेगुलर आ रही है, तो अब जैसे पैट 2023 की वैकेंसी आएगी, तो जो भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी के अनुसार लगभग 15 या 20 गुना या 30 गुना बच्चों को मतलब बुला लिया जाएगा, जो भी टॉप के होंगे, है ना। तो वो डिपेंड करेगा क्वालिफिकेशन के अनुसार। जैसे टीए की वैकेंसी आती है तो उसमें बीएससी एजी मांगते हैं, अगर वीडियो की आती है तो 12th पास मांगते हैं, अगर कोई स्वास्थ्य विभाग में आती है तो उसके लिए कुछ मतलब स्वास्थ्य रिलेटेड कोई डिप्लोमा या डिग्री मांगते हैं। तो इस तरीके से वो आपकी एग्जाम टू एग्जाम कट ऑफ आपकी वेरी करेगी। और अगर आपका 60% मतलब 60 मार्क्स से ज्यादा आया है, अगर आपका मतलब 90% से ज्यादा आया है, तो आप भाई जिस भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो अभी कट ऑफ हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते किसकी कितनी जाएगी। बस ये है कि जो आपकी कट ऑफ है वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगी। तो ये बस आपने जो एग्जाम दिया है, आप उस एग्जाम का आपका रिजल्ट आया है, इसमें सिर्फ आपके मार्क्स मिले हैं कि आपने उसमें कैसा स्कोर किया था। तो अभी कोई ज्यादा आप चिंता ना करें, ना कट ऑफ के चक्कर में पड़े, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तैयारी में लगे रहें जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है। तो इतनी छोटी सी अपडेट थी, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।